फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास मर्सिडीज जीएल 350 फॉर्मेटिक आई हुई है। इसमें क्या कंप्लेन है वो आपको हम बताएंगे। फ्रेंड देख सकते हैं, फ्रेंड ये नीचे का जो पतरा है, जो इंजन कवर पतरा बोलते हैं इसे, ये पूरी तरह से ऑयल से भीजा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो हम इस पतरा को अभी ओपन करेंगे, ओपन करके चेक करेंगे कौन सा आयल लीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं इसका पतरा ओपन करके। देख सकते फ्रेंड, इंजन के नीचे का पतरा हमने बाहर ले लिया है। अभी हम चेक करते हैं, देख सकते हैं पूरी तरह से भीजा हुआ है आयल से। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये देखिए, ये जो गियर का और ब्लॉक का जो बीच का हिस्सा आता है, इसके बीच से इसका आयल लीक है। ये गियर ऑयल है फ्रेंड, इंजन ऑयल नहीं है। इंजन ऑयल रहता तो पूरी तरह से काला रहता है, देख सकते हैं। ये फ्रेंड, इसके लिए हमें गियर बॉक्स इसका ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हम इसका गियर बॉक्स ओपन करना चालू किए हैं। ये देख सकते हैं, हमने पीछे का जो जॉइंट आता है वो यहाँ से हमने ओपन कर दिया है। और फ्रेंड इसके नीचे एक क्रॉस मेंबर आता है, जो ये फाउंडेशन पे रुकता है, आप देख सकते हैं, इसे भी हमने ओपन किया है। और ये डिफरेंशियल से आगे के डिफरेंशियल तक एक बीच में जॉइंट आता है। तो देख सकते हैं, ये ड्राइविंग शाफ्ट आता है, जो इसे भी हमने ओपन करके रखा है, ये बीच में आता है। अभी हम इसका राउंडिंग ओपन करना चालू कर दिए हैं फ्रेंड, देख सकते हैं हम इसका राउंडिंग ओपन कर रहे हैं। इसका खाली राउंडिंग बचा हुआ है, राउंडिंग ओपन करके फिर गियर बॉक्स बाहर लेंगे। एक साइड से हमने ओपन कर दिया है, अभी साइड से ओपन करना बाकी है। तो ये साइड से भी हम ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड से, और उसके बाद से राउंडिंग के पूरे बोल्ट खोल के फिर गियर बॉक्स नीचे लेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से आयल लीक हो रहा है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसका गियर बॉक्स है, ये मोटर जो आता है, गियर शाफ्टिंग मोटर, ये भी इसके साथ में है, गियर बॉक्स के साथ में। तो हमें पूरा असेंबली गियर बॉक्स के साथ ही से बाहर लेना पड़ेगा। बहुत से गाड़ियों में क्या होता है फ्रेंड, ये मोटर अलग से नहीं दिया रहता है, सिर्फ गियर बॉक्स दिया रहता है। नहीं, इसमें मोटर के साथ गियर बॉक्स है पूरा, ये हैवी गियर बॉक्स है, आप देख सकते हैं। ये पूरे साथ में हम असेंबली नीचे उतारेंगे। असेंबली नीचे लेकर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका जो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम था वो कहाँ से है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं, हम इसकी जितनी गियरबॉक्स हम ओपन कर रहे थे, ये मर्सिडीज 350 का है, देख सकते हैं फ्रेंड, ये मर्सिडीज 350 GL 4 मेटिक का है, जिसका हम गियरबॉक्स ओपन कर रहे थे। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने इसकी सारी जितनी भी राउंडिंगें आती है, सारे राउंडिंगें ओपन कर दी है। ये सिर्फ हमने दो राउंडिंग नीचे का ओपन नहीं किया था गियरबॉक्स, ताकि नीचे ना गिरे करके, सपोर्ट के लिए दो राउंडिंग हमने फंसा के रखा था। तो हम ये भी राउंडिंग अब फाइनल ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमें गियरबॉक्स नीचे लेना है। तो बाकी जो भी चीज़ें आती है फ्रेंड, हमने सारी चीज़ें ओपन कर दी है। आप देख सकते हैं, इसके नीचे दो पाइप आता है दोनों साइड से, जो गियरबॉक्स में ऑयल सप्लाई करता है, वो भी हमने ओपन कर दिया है। इसके ये देख सकते हैं, एक
ये इसका बोल्ड है फ्रंट, 55 नंबर का एलंकी लगता है इसमें, 55 नंबर का। तो हमने इसमें 6 यहाँ पे दिया है, जैसे इसको घुमाते जाएंगे वैसा वैसा और भी बोल्ड आते जाएगा पोजीशन का, तो 6 इसके बोल्ड आते हैं जो हमने ओपन किया है। क्योंकि तो फ्रेंड आप राउंडिंग ओपन कर देंगे, ठीक है फ्रेंड, तो सारी राउंडिंग हमने ओपन कर दी है, सिर्फ एक राउंडिंग हमने फटा के रखा है। फ्रेंड सिर्फ एक राउंडिंग हमने फंसा के रखा है सपोर्ट के लिए। इसे भी ओपन करेंगे और गियरबॉक्स नीचे लेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसका गियर ऑयल लीक होता है। इसे फ्रेंड गियरबॉक्स है, देख सकते हैं काफ़ी हैवी गियरबॉक्स है, क्योंकि फ्रेंड इसमें डिफरेंशियल भी साथ में दिया है। बाकी गाड़ियों में क्या होता है, डिफरेंशियल अलग से देता है, गियरबॉक्स अलग से देता है, लेकिन इसमें डिफरेंशियल के साथ गियरबॉक्स दिया है तो काफ़ी हैवी है, उतारने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा। फाइनली फ्रेंड हमने जो एक राउंडिंग सपोर्ट के लिए लगा कर रखा था उसे भी ओपन कर रहे हैं गियरबॉक्स नीचे लेने के लिए, क्योंकि हमने सारी जो भी चीज़ें आती है, सारी राउंडिंग जॉइन उसकी जितनी पाइपलाइन वायरिंग सब हमने ओपन कर दिया है। अब हमें गियरबॉक्स नीचे लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये इसका ऑयल ड्रेन करने का नट है, उसमें 6 नंबर का एलएनजी लगता है, 6 नंबर का एलएनजी लगा के नट को ओपन करके आप इधर से ऑयल ड्रेन कर सकते हैं। यहाँ से हमने ऑयल ड्रेन किया है और डालने के लिए भी हम यहीं से डालेंगे, वो आपको दिखाएंगे डालते समय। सबसे पहले तो इसे हम गियरबॉक्स डाउन करके इसका फोल्ड चेक करेंगे क्या फोल्ड है, ठीक है सर। आप देख सकते हैं सारी राउंडिंग हमने ओपन कर दी है, इसके ऊपर भी फ्रेंड दो राउंडिंग आता है, वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत हैवी ऊपर है। हमने कैसे कैसे करके हाथ डालकर ऊपर खोला है देख सकते हैं, राइट साइड का भी राउंडिंग पूरा ओपन कर दिया है हमने। फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं हम इसका गियरबॉक्स बाहर ले रहे हैं, हमने गियरबॉक्स नीचे कर लिया है, अब इसको बाहर ले रहे हैं हाइड करके। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं ये गियरबॉक्स हमने बाहर ले लिया है, इसका कैटल ये जो देख सकते हैं जो गियर का ऑयल सील है, ये देख सकते हैं फ्रेंड ये जो गियर का कन्वर्टर आता है इसे भी हमने बाहर निकाला है चेक करने के लिए। तो हमें इसका फोल्ड मिल गया है, ये जो ऑयल सील है ये पूरी तरह से हार्ड हो चुका है देख सकते हैं, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे। ये देख सकते हैं पूरा ऑयल भरा हुआ है इधर, तो यहाँ से हमारा ऑयल लीकेज हो रहा था जो गियर का ऑयल है, तो हम इसे चेंज करेंगे और जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं ये मर्सिडीज़ GL 350 का गियरबॉक्स है, ये गियरबॉक्स हमने बाहर निकाला है, इसका जो गियर का ऑयल सील आता है यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा था, तो हम इसका ऑयल सील रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका ऑयल सील निकाल के आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं हम इसका ऑयल सील निकाल रहे हैं। ये फ्रेंड कन्वर्टर के पीछे आता है इसका, जब कन्वर्टर आप बाहर निकालेंगे तो उसके पीछे रहता है, ये इसका ऑयल सील है ये देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसका ऑयल सील आपको रिप्लेस करके दिखाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड इसका ऑयल सील हमने बाहर निकाल लिया है, इसका इनर भी आप देख सकते हैं कहीं भी कुछ हमारे स्क्रू ड्राइवर कटाने से दाग वाग कुछ नहीं लगा है आप देख सकते हैं। तो हम इसका फिलहाल फ्रेंड ऑयल सील अरेंज करेंगे, क्योंकि क्या है रनिंग पार्ट नहीं है तो इसके लिए इसका ऑयल सील अवेलेबल नहीं रहेगा, तो हम आज ऑर्डर देंगे और उसके बाद अरेंज करके फिर आपको फिटिंग करके दिखाएंगे। ये हमारी गाड़ी है देख सकते हैं, मर्सिडीज GL है 350 4Matic। ये देख सकते हैं फ्रेंड ये मर्सिडीज का हमने गियरबॉक्स ओपन किया है,
कस्टमर का कंप्लेन था ऑयल लीकेज का, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि इसका ऑयल कहाँ से लीकेज था। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये हमारा कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसका गियर का ऑयल सील है, यहाँ पे बैठता है। तो यहाँ से क्या गियर फ्रेंड गियर लीकेज था, उसके लिए हम ये ऑयल सील तो रिप्लेस करेंगे ही। इसके साथ ये देख सकते हैं ये जो हाउसिंग आता है इसके पीछे यहाँ पे एक रिंग आता है। तो फ्रेंड आगे चल के कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम इसका भी रिंग चेंज कर देंगे। चलिए माना कि हमने ये ऑयल सील चेंज कर दिया, कुछ दिन बाद 2 महीना 4 महीना 6 महीने बाद ये रिंग से अगर ऑयल लीक होने लगा तो फिर डबल वही हजाम पट्टी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फ्रेंड क्या करेंगे, ऑयल सील भी रिप्लेस करेंगे और ये हाउसिंग के पीछे जो रिंग आता है उसे भी रिप्लेस करेंगे। तो अभी हमें हाउसिंग ओपन कर रहे हैं, देख सकते हैं आप ये हाउसिंग ओपन कर रहे हैं। हाउसिंग ओपन करके फिर आपको कंडीशन रिंग का कंडीशन दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमने आपको बताया था कि हम इसका हाउसिंग भी ओपन करने वाले हैं क्योंकि इसका ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम था। तो इसके पीछे भी एक ऑयल सील आता है, तो देख सकते हैं फ्रेंड ये इसका सील है पीछे का, हाउसिंग के पीछे का। तो देख सकते हैं कहाँ बैठता है आपको हम दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये यहाँ पे फिट होता है, इसके ऊपर क्लच फिट होता है, क्लच भी हमने ओपन किया है। तो इसका क्लच हम आपको दिखाते हैं। देख सकते फ्रेंड इसका क्लच है, एक क्लच भी उठाकर पहले आप फिटिंग करने के पहले आप ऑयल सील भी उठा लीजिएगा। फिर इसके नीचे एक लॉक है, ये देख सकते हैं ये लॉक को पहले ओपन कीजिएगा, उसके बाद से ये आपका क्लच जो है क्लच फिट कीजिएगा, फिर ये लास्ट एक लॉक, मतलब दो लॉक है बीच में क्लच है, ये दोनों आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आपका ये सील जो है ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। इस तरह से आप ओपन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड हम ये ऑयल सील इसका हाउसिंग के पीछे का और ये कन्वर्टर के आगे का आप देख सकते हैं, इधर जो हमने आपको बताया था देख सकते हैं ये ऑयल सील यहाँ पे फिट होता है। ये दोनों ऑयल सील हम इसमें रिप्लेस करने वाले हैं क्योंकि तो इसमें ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिक गियर है। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों ऑयल सील हम आपको रिप्लेस करके दिखाएंगे। फाइनली फ्रेंड हमने इसके जो पार्ट्स है वो अरेंज कर लिए, देख सकते हैं एक कन्वर्टर का अपना ऑयल सील है, ये देख सकते हैं आगे का एक कन्वर्टर के पीछे बैठता है, और ये जो हाउसिंग ऑयल सील था ये मेन ऑयल सील देख सकते हैं, इसमें जो हमने आपको बताया था ये भी हमने अरेंज कर लिया है, ये देख सकते हैं। अभी हम इसका फिटिंग करना चालू कर रहे हैं। ये दोनों ऑयल सील हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, ये हाउसिंग के पीछे का एक कन्वर्टर का। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों ऑयल सील हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि इसमें ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम था, तो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये देख सकते हैं हम ये मेन ऑयल सील हम इसमें लगा रहे हैं। हमने मेन ऑयल सील फिट कर दिया है, इसी प्रकार हम पीछे का हाउसिंग के आगे का जो कन्वर्टर के पीछे था वो भी ऑयल सील फिट करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे फिट करके। ऐसे डाला है थोड़ा पूरा कुछ बता। देख सकते हैं फ्रेंड इसी प्रकार से हम दूसरा भी ऑयल सील रिप्लेस कर रहे हैं।
एक कन्वर्टर का ऑयल सील है, कन्वर्टर का पीछे आता है, कन्वर्टर बाहर निकालेंगे तो आपको ऑयल सील दिखेगा हाउजिंग में से जब कन्वर्टर ओपन करेंगे तो। तो हमें दो लोग ऑयल सील रिप्लेस कर रहे हैं, एक ऑयल सील हमने रिप्लेस करके दिखा दिया था, ये दूसरा ऑयल सील रिप्लेस कर रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमने इसका हाउजिंग भी फिट कर दिया है, ये देख सकते हैं इसका हम जितना राउंडिंग का बोल रहा था वो सब लगा रहे हैं। इसका दोनों ऑयल सील भी रिप्लेस कर दिया है, ये ऊपर का ऑयल सील है, इसके अंदर का ऑयल सील हमने आपको दिखाया था, इसके पीछे जो ऑयल सील आता बड़ा सा, इसके अंदर नीचे का ऑयल सील है, ये देख सकते हैं इसके नीचे वाले का ऑयल सील है, ये हाउजिंग के अंदर आता है, इसके ये ऑयल सील डालने के लिए हमने हाउजिंग को बाहर निकाला था। तो हमने दोनों ऑयल सील रिप्लेस कर दिया है, अब ये हाउजिंग का हम बोर्ड लगाएंगे, हाउजिंग का बोर्ड टाइट करके इसका इसका जो वाल बॉडी है मेगाटोनिक है वो फिट उट करके, इसका जो वाल बॉडी आता है जिसको मेगाटोनिक कहते हैं वो लगाकर, इसका ऑयल फिल्टर लगाकर और उसके बाद इसका ऑयल सब फिट करेंगे और उसके बाद एक गियर हम गाड़ी में फिटिंग करना चालू करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने इसका हाउजिंग फिट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड आप देख सकते हैं इसका हाउजिंग हमने फाइनली फिट कर दिया है। अब इसका जो हमने मेगाटोनिक वोनिक खोला है, ऑयल फिल्टर खोला है, इसका ऑयल सम खोला है, अब इसे नीचे लेकर हम इधर खुट्टे के ऊपर रख कर इसे नीचे करके फिर इसका मेगाटोनिक और ऑयल फिल्टर ऑयल सम फिट करके आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं इसका मेगाटोनिक है, ये सबसे पहले मेगाटोनिक बैठेगा, फिर से ऑयल फिल्टर बैठेगा, फिर ये ऑयल सम बैठेगा लास्ट में फाइनली। तो हमने फ्रेंड इसका क्या था, ये जो ऑयल फिल्टर आता है ये ऑयल फिल्टर भी पूरी तरह से चॉकअप था, ये देख सकते हैं इसके अंदर पूरा मेटल भरा हुआ था, तो इसके लिए हम इसका ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये इसका फिल्टर है जो ऑयल फिल्टर करता है, तो हम फिल्टर भी रिप्लेस करने वाले हैं। ये देख सकते हैं इसका जूना है और वो नया वाला है, और इसका फ्रेंड एक और ये ऑयल सम का जो पैकिंग आता है ये भी हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि हार्ड हो चुका है, ये देख सकते हैं इसका जूना है। तो ठीक है फ्रेंड, तो हम इसमें गियर के जो दो ऑयल सील आते हैं हाउजिंग के अंदर का और बाहर का वो रिप्लेस कर रहे हैं, फिल्टर रिप्लेस कर रहे हैं और ऑयल सम का पैकिंग रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। और ये अपना ऑयल बॉडी, ठीक है फ्रेंड, इतनी सारी चीज़ें हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको रिप्लेस करके दिखाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं हम इसका वाल बॉडी लगा दिए हैं, अब इसका जो बोल्ट आता है जितने भी वो सब हम आपको लगाएंगे, देख सकते हैं। टोटल इसमें 10 बोल्ट आते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं हम इसके सारे बोल्ट फंसा रहे हैं जो हमने ओपन किए थे, ये वाल बॉडी के बोल्ट है। तो देख सकते हैं फ्रेंड इसके सारे राउंडिंग के सॉरी वाल बॉडी के जितने बोल्ट आते हैं सारे हमने फिट कर दिए हैं, अब इसको फाइनल फिट करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर का जो फिल्टर आता है वो लगाएंगे और ऑयल सम लगाएंगे, आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। देख सकते हैं इसका हम वाल बॉडी का जो बोल्ट है फाइनल हाथ मार रहे हैं, इसमें 10 बोल्ट आते हैं टोटल, 30 नंबर के लंकी से आप इसको ओपन कर सकते हैं, ब्लैक पेटी के 30 नंबर के लंकी से।
ठीक है फ्रेंड, तो फाइनली ये हमारा ऑल बॉडी पूरी तरह से प्रॉपर तरह से फिट हो चुका है। ये इसका फिल्टर है जो ऑयल सप्लाई करता है, ऑयल इसमें जो भी कचरा उचरा आता है खींच कर और अच्छा सा ऑयल वाल बॉडी को सप्लाई करता है, ये भी हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड हम इसका ऑयल सम लगा रहे हैं लास्ट फाइनल, बाकी सब हमने आपको फिट करके दिखा दिया है। इसके ऑयल सम में फ्रेंड फाइनल 6 बोल्ट है, देख रहे हैं हम इसका बोल्ट भी फिटिंग करना चालू कर रहे हैं इसका ऑयल सम के। ये 8 के टिप आने से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, फिट भी कर सकते हैं 8 के टिप आने से, क्योंकि ये लंकी पाना है, लंकी पाना भी हमारे पास है, लेकिन 8 के टिप आने से इसको फाइनल टाइट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइट नहीं रहता इसके लिए। फाइनली फ्रेंड इसका ऑयल सम का भी हम बोल्ट टाइट कर रहे हैं फाइनल, ये हमारा गेयरबॉक्स पूरी तरह से रेडी हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर हमने इसका गियर का आगे का जो ऑयल सील आता है उसके हाउसिंग के पीछे का दोनों ऑयल सील हमने रिप्लेस किया है, और इसका फिल्टर जो आता है वो भी फिल्टर भी रिप्लेस किया है, वो हमने आपको सब वीडियो में बताया था कि फाइनली हम टाइट कर रहे हैं। और ऑयल सम का बोल्ट टाइट करने के बाद हमारा गेयरबॉक्स से पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, फिर हम इसे गाड़ी में फिट करना चालू करेंगे, तो आपको गाड़ी में फिट करके भी दिखाएंगे। इसमें 6 बोल्ट आते हैं फ्रेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देख सकते हैं इसका गेयरबॉक्स हमारा असेंबली हो चुका है, इसका हम कन्वर्टर बिठा रहे हैं, कन्वर्टर बिठा के फिर ये गाड़ी में हम फिटिंग करना चालू करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा कन्वर्टर भी बैठ चुका है पूरी तरह से, देख सकते हैं आप, हो गया ना आंसर जी? हाँ चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप गाड़ी के अंदर लीजिए। देखते हैं हम इसमें गियर ऑयल भी अभी थोड़ा 2-4 लीटर फिलहाल चढ़ाने पोजीशन में डाल देंगे, देख रहे हैं हम इसमें 2 लीटर डाल चुके हैं, 3 लीटर डाल रहे हैं, इसके बाद गेयरबॉक्स फिट करने के बाद बाकी का जो है गाड़ी स्टार्ट करके हम डालेंगे। अभी फिलहाल 2-3 लीटर इसमें डाल दे रहे हैं, ये 2 लीटर डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप, और ये 3 लीटर है, ये देख सकते हैं सील टाइट एकदम, ये देखिए हम सील तोड़ रहे हैं, ये आपके सामने हमने इसका सील ओपन किया है। ठीक है फ्रेंड, गाड़ी स्टार्ट होगा तो सूखा हो जाएगा फ्रेंड, इसके लिए हम इसमें 2-3 लीटर ऑयल डाल दे रहे हैं, क्योंकि क्या है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद क्लच इसका सूखा रहता है, तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसमें कुछ तो थोड़ा बहुत ऑयल चाहिए इसको मैग्नेटिक अपना क्लच को लगने के लिए, इसके लिए 2-3 लीटर हम डाल दे रहे हैं, उससे गाड़ी स्टार्ट करके बाकी का इसमें हम ऑयल डालेंगे। इसमें टोटल 12 लीटर ऑयल जाएगा, 10 लीटर गेयरबॉक्स में और 2 लीटर ये डिफरेंशियल में, आप देख सकते हैं इसका डिफरेंशियल है, इसमें 2 लीटर तक डालेंगे, इसमें 10 लीटर डालेंगे, हम 3 लीटर इधर नीचे ही डाल ले रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हमारा क्लच है वो सूखा ना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग गेयरबॉक्स चढ़ा रहे हैं, अपना सिस्टम, हमारा सिस्टम देख सकते हैं कमी है, ये दो दो हाइड्रोलिक जैक लगाया हमने, कैंची के सपोर्ट द्वारा हम लोग इसको ऊपर ले रहे हैं। देख सकते हैं इसका हमने गेयरबॉक्स
गाड़ी के अंदर फिट कर दिया है। इसका जो कन्वर्टर का बोल्ट है उसको हम फंसा के टाइट कर रहे हैं। इसमें टोटल 6 बोल्ट आते हैं फ्रेंड। 55 नंबर के लंकी से आप इसको खोल भी सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम सारे इसके कन्वर्टर के बोल्ट घुमा घुमा कर टाइट करेंगे। ये राउंडिंग के बोल्ट भी आप देख सकते हैं, हमने राउंडिंग का बोल्ट फंसा दिया है। यहाँ पे एक फंसा है और यहाँ पे फंसाया है, देख सकते हैं। हमारा राउंडिंग का बोल्ट भी फंस चुका है गियर का, इसे फाइनल टाइट करना बाकी है, तो फाइनल टाइट करके हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड इसी प्रकार हम सारे राउंडिंग के बोल्ट टाइट करेंगे फाइनली। तो आप लोग देख सकते हैं इसका गेयरबॉक्स हमने चढ़ा दिया है, इसका राउंडिंग भी फिट कर दिया है। जितनी राउंडिंग आती है आप देख सकते हैं, सारी राउंडिंग हमने फिट कर दिया है। इसके अंदर जो कन्वर्टर का बोल्ट आता है वो भी हमने टाइट कर दिया है, गियर के अंदर जो कन्वर्टर का बोल्ट आता है। तो फ्रेंड अभी हमने एक क्रॉस मेंबर को फंसाया है, इस पर सपोर्ट दिया गियर का, तो फाइनल हम इसे अब एक टाइट कर रहे हैं। फ्रेंड इसमें टोटल 6 बोल्ट आते हैं 16 नंबर के। तो फाइनली फ्रेंड है हमारा क्रॉस मेंबर भी रेडी हो चुका है पूरी तरह से फिट होके। तो अब ये हमारा जो जॉइंट है देख सकते हैं, दो पीस में आता है ये, यह हमारा यहाँ पे लग कर ये हमारा यहाँ पे बैठेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अभी इस जॉइंट को हम फाइनल लगाएंगे, ये हमने सेंटर में ले लिया है। तो अब ये जॉइंट का बोल्ट जितना आता है, 6 बोल्ट इधर आते हैं, 6 बोल्ट इधर आते हैं, ये क्रॉस मेंबर के ऊपर से आपको दिखेगा, इन क्रॉस मेंबर हमने फिट कर दिया है। तो 6 बोल्ट है, 6 बोल्ट हम लगाएंगे, इसके बाद से हमारा पीछे का ये जॉइंट बचेगा, ये देख सकते हैं, ये जो डिफरेंशियल में लगेगा एक ये फिट करेंगे। और ये फाउंडेशन का आप देख सकते हैं, जॉइंट का जो ब्रैकेट आता है इसको सपोर्ट के लिए दिया जाता है। ये इतना हमारा बाकी है, एक ये दो ये तीन और ये चार चीज़ें हम कंप्लीट करके फिर इसमें गियर ऑयल कैसे डालते हैं वो आपको डालकर फिर स्टार्ट करके हम गाड़ी दिखाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम फिट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का हम प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं ये गेयरबॉक्स हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हैं। जॉइंट क्रॉस का हमने बोल्ट जो पूरी तरह से टाइट कर दिया है, हमारा राउंडिंग भी पूरी तरह टाइट पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। ये देख सकते हैं कन्वर्टर का बोल्ट भी हमने टाइट कर दिया है, इसका जो क्रॉस मेंबर आता है नीचे का ये इसका क्रॉस मेंबर है, ये भी हमने पूरी तरह से कम्प्लीट कर दिया है। पीछे का देख सकते हैं प्रॉपलर शाफ्ट जो आता है जिसको जॉइंट बोलते हैं, ये भी हमने इसमें फिट कर दिया है, ठीक है। तो फाइनल हमारी गाड़ी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, सिर्फ इसमें ऑयल डालना बाकी है। तो ऑयल डालकर और गाड़ी स्टार्ट करके फिर चेक करके हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारा ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। फ्रेंड इसमें आपको
गेयरबॉक्स ओपन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं खोलना पड़ता है, चेक कर सकते हैं। इसके दो तीन सॉकेट आते हैं, देखिए यहाँ पे एक सॉकेट दिया है, वहाँ पे पीछे वाल बॉडी का सॉकेट दिया है, यहाँ पे गियर शिफ्टिंग मोटर का सॉकेट दिया है। आप देख सकते हैं एक ये दो, यहाँ पे ऊपर एक है, देख सकते हैं एक दो तीन और ये चार, और पीछे वाल बॉडी का एक पाँच, पाँच सॉकेट आपको ओपन करना पड़ेगा। एक क्रॉस मेंबर ओपन करना पड़ेगा, राउंडिंग का बोल्ट पूरा ओपन करना पड़ेगा, एक जॉइंट यहाँ से और यहाँ से आपको ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ से एक जॉइंट आपको ओपन करना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ आप ओपन करेंगे तो आपका गियरबॉक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फाइनल है हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, सिर्फ ऑयल डालना बाकी है। तो ट्री नट आप देख रहे हैं, ये नट खोल के हम यहाँ से ऑयल डालेंगे, उसके बाद हम गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं ये मोटर हमने बनाया है ये मर्सिडीज जीएल में ऑयल डालने के लिए गियर का। तो इस ये मोटर के दवारे हम इसमें ऑयल डालेंगे, देख सकते हैं इसका साउंड सुन सकते हैं आप, ये देख सकते हैं हमारा मोटर वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम तीन या चार लीटर का डब्बा कट करेंगे, उसके अंदर ये मोटर डालेंगे और उसके डब्बे के अंदर ऑयल भरकर ये जो पाइप दिख रहा है इसमें एक टी लगाकर और गियरबॉक्स के जो चेंबर का नट है उसमें लगाकर हम आपको दिखाएंगे। ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं ये मोटर द्वारा हम उसमें ऑयल डालेंगे करके। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमारा ऑयल डालने का जो टेक्निक था वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं। ये फ्रेंड एक मोटर है, ये स्विफ्ट डिजायर डीजल गाड़ी का मोटर है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हमने एक बीच में देख सकते हैं टी बनाया है ये पाइप को प्रेस करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, ये पाइप में लगा कर और ये आगे का आप देख सकते हैं ये हमने सेम थ्रेड का एक बेंजू बोल्ट हमने लिया था, उसको कटिंग करके थ्रेड और इस पाइप में वेल्डिंग किया है। ये जो थ्रेड वाला है वो हम चेंबर के हिस्से में लगाएंगे, जो चेंबर का ट्रेनट आता है उसमें गाड़ी में ऐसा फिट करके इसमें लगाकर फिर यहाँ से देख सकते हैं बैटरी हमने लिया है, बैटरी द्वारा कनेक्शन करके फिर इसके द्वारा थ्रू बैटरी से थ्रू हमें गियर ऑयल गियरबॉक्स के अंदर चढ़ाएंगे। आपको लगा कर दिखाते बैटरी वाला लगाइए, ये देखिए इन्होंने बैटरी वाला लगाया, ये देख सकते हैं गियर ऑयल का प्रेशर, इस प्रेशर द्वारा हम उधर चढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आपको हम ये उसमें लगा कर और गियर ऑयल चढ़ाकर फिर आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया है, इसका गियर ऑयल भी हम डाल रहे हैं, देख सकते हैं ये सारे गियर ऑयल के हमारे डब्बे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड फाइनली हमारा गियर ऑयल का जो मिशन कामयाब हो रहा है। ऑलरेडी 7 लीटर ऑयल हमने डाल दिया है और 3 लीटर ऑयल पहले डाला था, टोटल 10 लीटर हमने इसमें ऑयल डाला है। ये हमारा गाड़ी स्टार्ट भी हो गया है, अब हम इसे चालू करके आधा एक घंटा हम इसका ऑयल लीकेज चेक करेंगे कि हमारा जो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम था तो हम उसे चेक करेंगे और उसके बाद एक लंबा टेस्ट ड्राइव मारेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमने गाड़ी को डाउन कर दिया है, अब इसे पीछे ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं हम, ये देख सकते हैं
ये हमने रिवर्स गियर में डाला है, रिवर्स गियर में डाल के देख सकते हैं हमारी गाड़ी बाहर निकल रही है। तो अब इसे हम वॉश करेंगे और वॉश करके फाइनल टेस्ट ड्राइव मारेंगे। टेस्ट ड्राइव लेके फिर चेक करके कस्टमर को गाड़ी डिलीवरी दे देंगे, ठीक है। इसमें हमारा फ्रेंड ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम था, उसको चेक करके ये हमारा गियर पूरी तरह से ओके हो चुका है। देख सकते हैं गियर शिफ्टिंग भी सब बराबर हो रहा है। फाइनली फ्रेंड हम इसका टेस्ट ड्राइव भी ले चुके हैं। अब इस गाड़ी को हम रैंप पे उठाते हैं और रैंप पे उठा के एक बार इसका लीकेज चेक कर लेंगे कि जैसे कुछ लीकेज है क्या, क्योंकि गाड़ी भी हमारा लीकेज का प्रॉब्लम था। तो हम इसका टेस्ट ड्राइव भी ले लिए, हमारा गियर भी सब शिफ्टिंग हो रहा है, किसी गियर में कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ हमें एक बार ऑयल लीकेज चेक करना है नीचे से। तो हम इस गाड़ी को रैंप पे लेंगे और रैंप पे लेके आपको फाइनली आप देख सकते हैं ये गाड़ी हमने रैंप पे ले ली है और इसका हमने टेस्ट ड्राइव भी ले लिया है। तो इसका एक बार ऑयल लीकेज चेक कर लेंगे नीचे से कि कोई ऑयल लीकेज यूकेज कुछ है नहीं ना। तो देख सकते हैं फ्रेंड आप नीचे से, तो देख सकते हैं ये हमारा पूरी तरह से सूखा हुआ है, क्योंकि इसको हमने टेस्ट ड्राइव लेने से पहले गाड़ी को नीचे से पूरा वॉश किया था। तो देख सकते हैं इसका ऑयल सम भी पूरा सूखा हुआ है। ये हमारा पहले कन्वर्टर के अंदर से ऑयल आता था, देख सकते हैं ये हमने वॉश किया पूरी तरह से। ये गाड़ी हमारी पूरी तरह से प्रॉपर ओके हो चुकी है, किसी प्रकार का इसमें ऑयल लीकेज कुछ नहीं है चारों साइड से, आप देख सकते हैं। ये हमारा ऑयल सम है, देख सकते हो ऑयल सम चारों तरफ से सूखा हुआ है। ये पीछे का डिफरेंशियल का भी पार्ट देख सकते हैं, ये गेयरबॉक्स में जॉइंट आता है फ्रेंड, ये भी पूरी तरह से सूखा हुआ है। ठीक है, तो ये गाड़ी हमारी पूरी तरह से ओके हो चुकी है। अब हम ये गाड़ी को बिंदास कस्टमर को डिलीवरी दे सकते हैं बिना किसी कंप्लेन के। हम गाड़ी को नीचे करते हैं, ये देख सकते हैं हमारी गाड़ी नीचे आ रही है। अब तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी पूरी तरह से नीचे ले ली है। ये देख सकते हैं हमारी गाड़ी पूरी तरह से नीचे आ चुकी है। ये इसका इंजन का भी देख सकते हैं कंडीशन पूरी तरह से एकदम चकाचक है, इसको हमने पूरी तरह से वॉश करके लिया था। ठीक है फ्रेंड, तो इसका बस इंजन कवर एक लगाना बाकी है, वो हमने टेस्ट ड्राइव के लिए ओपन रखा था कि टेस्ट ड्राइव लेके ऊपर से चेक कर सकते कि जैसे कुछ लीकेज वीकेज नहीं है ना। तो हमने इसका टेस्ट ड्राइव ले लिया है, इसमें किसी प्रकार कोई लीकेज नहीं है। ठीक है, तो ये गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है। अभी हम गाड़ी कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे बिना किसी कंप्लेन के। तो फाइनली हमने आपको इस वीडियो में, इससे पहले वीडियो में आपको सारी चीज़ें हमने दिखा दी है। इसका हमने गाड़ी स्टार्ट करके भी, टेस्ट ड्राइव लेकर भी, और इसका ऑयल लीकेज भी चेक करके आपको दिखा दिया है। तो ये गाड़ी हमारी पूरी तरह से भी प्रॉपर ओके हो चुकी है। इसका हमने गियर बॉक्स ओपन किया था और हमने आपको दिखाया ही था। ठीक है फ्रेंड, तो ये गाड़ी को हमने वॉश भी कर दिया है। वॉश करके देख सकते हैं हमारे अंसारी जी इसको थोड़ा पॉलिश लगा रहे हैं ताकि कस्टमर खुश हो के इनको कुछ दक्षिणा दे दे। ठीक है, तो ये कस्टमर को हमने बुलाया है, अब ये गाड़ी लेने के लिए कस्टमर जी आएंगे तो ये गाड़ी हम कस्टमर को आसानी से डिलीवरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फोल्ड कोड नहीं है। जो भी हमारा प्रॉब्लम था फोल्ड, वो सब सॉल्व हो चुका है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी ऑयल लीकेज वीकेज नहीं है। ये गेयरबॉक्स हमने इसका ओपन किया था क्योंकि इस गाड़ी में ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम था, तो सॉल्व हो चुका है हमारा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग
से सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिए। अगर हमसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ कृपया करके हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमारे चैनल से बने रहिएगा ताकि हम आपको आगे से आगे चलकर इससे अच्छा नए से नए वीडियो आपके सामने पेश कर सके। तो आप सभी लोग से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोगों को इस मर्सिडीज़ का गियरबॉक्स का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमसे इस गाड़ी के बारे में पूछना रहेगा, गियरबॉक्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, मैसेज बॉक्स में जाइए, हमें जो मैसेज करना है हमसे पूछिए, हम आपको तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे।